ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि भैया व्यापार हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, उसके लिए हम क्या करें। पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुन के आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ। 7 जून 2022 को आपकी अष्टमी तिथि पड़ रही है। यह उपाय आप किसी भी महीने की अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बस एक स्वास्थ्य का कमाल सिर्फ आपको दिखाना है और आपका जो दुकान है, जो आपका व्यापार है, वो चलने लगेगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको लाइक करना है। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, देखो करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कौन दिख रहे हैं, यह है बजरंगबली, जिसको हम लोग हनुमान जी भी बोलते हैं। देखो हनुमान जी के कई भाई थे, है ना, और सबसे बड़े भाई कौन है, यही हनुमान जी सबसे नंबर एक के भाई हैं। ठीक है, इनसे जो छोटे भाई हैं ना, उनका नाम है भगवान श्री गतिमान। ठीक है, इनसे छोटे भाई, सबसे बड़े कौन है, भगवान श्री बजरंगबली हैं, और इनसे छोटे कौन है, गतिमान उनका नाम है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बजरंग बली दिख रहा है, इनका पैर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो पैर है, ये है उनका राइट यानी कि दायां पैर, और ये वाला इनका लेफ्ट पैर है यानी कि बायां पैर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ये जो लेफ्ट वाला पैर है ना, इस पैर की जो भी चंदन, जो भी वहाँ पर टीका हो, आपको अपने हाथ में लेना है या फिर किसी चीज़ में, कटोरी वगैरह में थोड़ा सा ले लेना, इनके लेफ्ट पैर का ही लेना है। किसका नाम लेते हुए, भगवान श्री गतिमान का नाम लेते हुए इनके लेफ्ट पैर से थोड़ा सा चंदन आप ले लेना। ठीक है, फिर क्या करिएगा, आप अपने शॉप पर जाइएगा, दुकान पर जाइएगा, व्यापार जहाँ पर भी आपका है, ठेला है, दुकान है, जो कुछ भी है, आप अपने दुकान में कहीं पर भी, पूरे दुकान में कहीं पर भी क्या करेंगे, आप उसी जो आप ने चंदन लिया है, लेफ्ट पैर से, बाएं पैर से, भगवान श्री बजरंग बली के, हनुमान जी के, गतिमान जी के नाम से अपने दुकान के कहीं पर भी आप स्वास्तिक बना देंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्वास्तिक बनाएंगे, गतिमान भगवान का नाम जरूर लेंगे। देखो जो गतिमान है, इनके नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज में गति देने का, है ना। तो जब भी आप अपने व्यापार पे भगवान श्री बजरंग बली के लेफ्ट पैर से, बाएं पैर से चंदन लेकर के आएंगे और अपने दुकान पर एक स्वास्तिक बनाइएगा गतिमान के नाम से, भगवान श्री गतिमान के नाम से, तो आपका जो व्यापार है, जो दुकान है, वो चलने लगेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको यह उपाय पूरे महीने में एक बार, अष्टमी आती है, पूरे महीने में कभी भी आप अष्टमी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको करना है और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान श्री गतिमान का नाम जरूर लीजिएगा। कोशिश की है बहुत ही छोटी वीडियो बनाने की, तो पसंद आई है लाइक करिएगा। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।